मध्य प्रदेश के नज़दीक नैशनल हाईवे 30 ते भयानक सड़क हादसा हो गया। इस विच 15 मजदूर परिवारों की मौत दसी जा रही है। 40 तो वध यात्री बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। राहगीरां दी सूचना के बाद सुहागी पुलिस मौके पर पहुंची और बस में फसे यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। गंभीर रूप नाल जख्मियों को एंबूलेंस तो त्योथर सिविल अस्पताल विच पहुंचाया गया। बाद विच गंभीर रूप दे नाल जख्मियों नू रीवा दे संजीव गांधी अस्पताल विच पहुंचाया गया। हादसा नैशनल हाईवे 30 विच मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा तो लगी सुहागी पहाड़ दे कोले होया। जानकारी दे मुताबिक बस जबलपुर दे रास्ते रीवा होकर इलाहाबाद जा रही सी। दस्या जा रहा दिवाली दे त्योहार नू लेके मजदूर परिवार इस बस राही अपने परिवार दे विच शामिल होन जा रहे सी। जिस दौरान रात नू यह सड़क हादसा हो गया जिस विच 15 लोगों की दर्दनाक हादसे विच मौत हो गई है। हादसा देर रात होया जो बस दे अगे एक ट्रेलर जा रहा सी। ट्रेलर किसी गड्डी दे नाल टकराया जिसकी वजह नाल ट्रक सड़क ते खड़ा हो गया। उसे दौरान पिछों आ रही तेज रफ्तार बस ने ट्रेलर नू जोरदार ठोकर मार दिती। बस विच अगे जिन्ने भी लोग बैठे सन सब दी मौत हो गई है। दस्या जा रहा है कि बस विच 100 लोग सवार सन। घटना की सूचना पाउंदे ही SP कलैक्टर समेत कई थाणियां दी पुलिस मौके ते पहुंच गई और राहत बचा कार्यां विच जुट गई। हादसे तो बाद सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर रात रीवा जिले विच हुए सड़क हादसे ते दुख प्रकट किया। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।